बघेल धनगर समाज में अगर बात करें गांव बराड़ा की, तो शायद हो सकता है समाज की जो एक ताकत है वो बराड़ा गांव से मिलती है। एनर्जी जो है इस समाज को वो बराड़ा गांव से मिलती है। उप प्रधान है मेरे साथ में योगेश बघेल जी। इस बार लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की जो जन्म जयंती है उसमें बराड़ा गांव का बड़ा योगदान रहेगा। कैसे देख रहे हैं प्रधान जी, क्या कुछ यहाँ जैसे मीटिंग हो रही, प्रेस वार्ता हो रही है, लगातार प्रेस वार्ता हो रही, तो क्या डिसाइड हुआ? ऐसा नियमित रूप से जयंतियां विगत वर्षों में कुछ बढ़ रही है संख्या। गांव देहात में पहले कम थी, लेकिन हर गांव में छोटे स्तर मनाती जा रही है, मनना शुरू हो गया। लेकिन लोगों में ये थोड़ा विचार किया कि अगर मीडिया की सुर्खियों से दूर रहते हैं, गांव देहात में युवा जो करते हैं उनका ये कहना था कि अगर ये मेन रोड पे और शहर के मेन रीढ़ की हड्डी पे निकलेगा ये, तो इसको मीडिया की सुर्खियों में, इस विचार को आगे रखते हुए हमने संगठित करके बड़ी जयंती मनाने जा रहे हैं। कितने लोग आने वाले हैं बनारस से? क्योंकि पाल बघेल धनगर समाज का एक तरह से गढ़ माना जाता है। बराड़ा से करीब 400-500 लोग तो आएंगे ही। युवाओं में बड़ा उत्साह है, बाइक रैली के साथ और जोश से कुछ ट्रैक्टर भी आएंगे। बहुत बड़ी तादाद में लोग आने काम करेंगे। बराड़ा ही नहीं, आसपास के सुंदरबन है, मगटई है, मोहम्मदपुर है, ये एटोरा है, वाणी है, यहाँ के सब युवा जो लोकल स्तर पर 10-20-50 बाइकों में निकलना चाह रहे थे, अड़तो नहीं है, वो अपनी रैलियां निकाल लेंगे और रैली के रूप में सब सम्मिलित होंगे एमजी रोड लग पर। रहा है कि लगातार जो जैसे समय व्यतीत होता जा रहा है, 35 वर्ष पहले एक शुरुआत हुई थी लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जयंती मनाने की। समाज के बुद्धिजीवियों ने ये स्टार्ट की। आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन वो कहीं ना कहीं जहाँ पे भी होंगे बड़े संतुष्ट होंगे कि हमारे जो पीढ़ियां हैं वो इसका उसको। हमें इतना प्रतिफल मिला है कि जैसे हम देहात में गए हैं लोगों संपर्क करने, तो समाज के साथ साथ दूसरे समाज के लोग देखते हैं ना बघेल आए हैं, तो ना ये भी याद है कि 31 मई है तो जरूर जयंती के लिए आए हों। कई लोगों ने मिले, रास्ते में मिले कि भाई जयंती उस कार्यक्रम के उसमें उद्देश्य में आए होंगे, तो इतनी जागरूकता हुई है कि समाज के अलावा दूसरे समाज के लोगों ने भी ये जागरूक कहें कि 31 मई को जयंती है, लोग आए हैं गाँव में संपर्क करने जयंती अगर मैं को। एक चीज और देख रहा हूँ कि लोकमाता देवी अहिल्याबाई की बात करें तो उन्होंने धर्म के लिए बहुत काम किया, सामाजिक स्तर पर भी बहुत काम किया, तो एक समाज से बांध के भी नहीं देख सकते। लेकिन इस बार कई समाज के लोग मैंने देखे, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, वो भी अलग अलग कहीं ना कहीं छोटे छोटे कार्यक्रम कर। मनाना चाहिए, उन लोगों ने मनाया है। माननीय सुमित्रा महाजन, उन्होंने तो एक लेटर जारी करवाया है रेल चलाने के लिए, और आरएसएस के भी उस कार्यक्रम है उन्होंने उस दिशा में, उन्हें तो और ज्यादा मनाना चाहिए, उनके लिए जो काम किया है बिल्कुल, तो और उन्हें एक तो उसमें अभी कमी है और ज्यादा उन्हें करना चाहिए। महापुरुष किसी समाज के नहीं होते, ये सर्व समाज के होते हैं। जैसे बाबा साहब अंबेडकर एक समाज के नहीं है, इसी तरह सबके लिए महारानी काम किया। सबके लिए काम किया है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर का व्यक्तित्व कृतित्व ऐसा है, और धर्म शासिका भी मानी गई, राज शासिका के अलावा लोगों को जुड़ना भी चाहिए। और इस बार आगरा जिले में बहुत कार्यक्रम होने वाले हैं लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की जन्म जयंती के अवसर पर। क्रमबद्ध तरीके से कार्यक्रम होने जा रहे हैं। 35 वर्ष पहले एक कार्यक्रम हुआ करता था, लेकिन इस बार चरणबद्ध तरीके से अलग अलग युवाओं में जोश है। जैसे आपने बताया कि इस समय जोश में होश खोने की बात मुनेश बघेल जी ने की, और होना भी चाहिए। जहाँ समाज बड़ा होता है, परिवार बड़ा होता है, तो इस तरह के कार्यक्रम बृहद रूप धारण भी करते हैं। आगे भी नए विचारों के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक मुझे दीजिए अनुमति। प्रणाम, जय श्री राम।